धक्का मारता है लड़का। उठा दो भैया। हे गाइस व्हाट्स अप, गुड मॉर्निंग। तो अभी मैं जा रहा हूँ चंडीगढ़ जाना है मुझे पल्सर की सर्विस करवाने NS की। तो फिर चंडीगढ़ के बाद मैं जाऊंगा दिल्ली अपने बाइक को, वो बोली बाइक देने। पल्सर में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, वो मिस मारा है थोड़ा सा 80-90 की स्पीड पर, और थोड़ी सी पिकअप में भी फर्क आ रहा है उसमें। तो मैंने सोचा उसकी सर्विस को काफ़ी टाइम होगा, वो करवाएं। और भाई बोला मुझे पकड़ा जाए, यहाँ पर बाइक नहीं है। तो आज मैं पहले सर्विस कराऊंगा चंडीगढ़ जाकर, फिर दिल्ली जाऊँगा बाइक पर। और हेलमेट मैं भाई का लेकर जा रहा हूँ, ये वाला, ये देख लो, इस पर मैंने माउंट लगा दिया है, ये देख लो माउंट लगा दिया है। और बस ऐसे ही मैं वापस आ जाऊँगा शाम को बस में, शाम को शायद कल बस में आ जाऊंगा मैं वापस। अभी 9 बजे का समय है, तो अभी चलते हैं जल्दी। तो अभी मैं अपनी सिटी से निकल चुका हूँ चंडीगढ़ की ओर, फिर चंडीगढ़ से दिल्ली की ओर। अभी कैमरा एंगल जैसा भी आ रहा है आपको एडजस्ट करना पड़ेगा चंडीगढ़ तक, बिकॉज जब मैं माउंट की हेलमेट पर लगा रहा था तो मेरे से 2 नट टूट गए, तो पूरा माउंट नीचे करके लगाना पड़ा। तो हाइट नहीं उसको मिली, तो चंडीगढ़ जाकर अगर मिल गया तो, अगर नहीं मिला तो दिल्ली तक ऐसा ही व्यू आएगा। ऑनलाइन मंगाना पड़ेगा नहीं तो मुझे। बाकी भाई का हेलमेट है पूरा, इसका वाइजर अच्छे से बंद नहीं हो रहा, और माइक भी मैंने ऐसे ही एडजस्ट किया है बस एक दिन के लिए। तो मुझे पता है ये पूरा सामान मैं वापस नहीं ले आऊँगा, हेलमेट छोड़ाऊँगा वापस। भाई तो बोल रहे थे मेरी राइडिंग चेकअप से कराना, पर वो गलती थी, तो इसलिए मैं ऐसे ही जा रहा हूँ। मैंने गत्ता ही लगा देना बस। किसमें? उसमें परमानेंट के लिए गत्ता, ऐसा गत्ता वो घिसना ही नहीं। कोई नहीं, हम बार बार न्यू डलवाएंगे। अभी पूरा बाइक का काम हो चुका है और टाइम देख लो 3:10। अभी मैं दिल्ली की लोकेशन लगाऊंगा, बिकॉज चंडीगढ़ क्रॉस करना है, बाकी तो आगे मुझे पता ही है आगे। और इस पर कितना खर्चा है वो भी आपको दिखाता हूँ। 5 घंटे दिखा रहा है भाई जी। किधर को जाना है? ओहो, वापसी एक यहाँ से, ये देखो सीधा ही है, सीधा ही है दिल्ली। ये कहाँ? तो अभी चंडीगढ़ में बारिश होकर हटी है आधा घंटा, तो मैं बारिश की वजह से लेट हुआ, मैं यहाँ पर रुक गया। बिकॉज मुझे पसंद नहीं है भीगना, और भाई से बात की, वो बोल रहा है वहाँ पर दिल्ली में धूप है। तो अभी बारिश रुकी है और बादल अभी भी काले हैं। और एंगल बताना कैसा आ रहा है, बिकॉज मैंने जो चाहिए था माउंट के लिए माउंटिंग नट्स मैंने ले लिया, पूरा माउंटिंग सेटअप ले लिया एक नट की वजह से। तो बताना मुझे कभी एंगल ठीक है पहले से। अभी बस हमको सीधा ही जाना है। बारिश का एक फायदा होगा कि अभी धूल मिट्टी नहीं उड़ेगी, और मैं वाइजर खोल के चला सकता हूँ बाइक, नहीं तो हाफ खुला वाइजर अच्छा भी नहीं लगता और मिट्टी भी आँख में घुसती है। बाकी इसका खर्चा होता था, इसकी हमने सर्विस करवाई मोटुल के इंजन ऑयल के साथ। मोटुल का इंजन ऑयल था 1000 रुपये का, 1050 का मैं अराउंड फिगर बता रहा हूँ, 1000 का। और इसकी फ्रंट ब्रेक चेंज हुई है, तो ब्रेक पैड नहीं, ये पूरी ब्रेक जो भी है ये पूरा चेंज हुआ है। ओहो, पुलिस वाले देखो कैसे हाथ दे रहे हैं, मुझको हाथ ना दे रहे, बिकॉज मेरे पास कोई कागज़ नहीं है, एम परिवहन में है। और एम परिवहन मेरा चल नहीं रहा इस टाइम, पता नहीं क्यों। मैंने 2 दिन बाद ट्राई किया, किस्मत खराब। बाकी आपको बता रहा हूँ, ये पूरा ये वाला सेट पूरा चेंज हुआ, ये 1200 का 2200 हो गया, टोटल 2300 खर्चा आया, 3300 सॉरी 3300 खर्चा आया, 600 लेबर, 2200 600 250। बाकी छोटे मोटे काम हुए इसमें, तो उसका खर्चा था। एयर फिल्टर डाला इसमें, ठीक है, ऑयल फिल्टर डाला इसमें, ब्रेक ऑयल दोनों साइड के चेंज हुए, ब्रेक पर कोई नहीं चेंज है, ब्रेक पर दोनों नहीं हुए अभी। तो टोटल तीनों मिला के 3300 खर्च होगा, ये 1200 एक्स्ट्रा है, वो माइनस कर दो, आपको उतना खर्चा आएगा अगर आप पल्सर की सर्विस करवाओगे। हाँ, आपका ब्रेक पैड का खर्चा आएगा, हमने ब्रेक पैड रिसेंटली चेंज करवाए थे तो इसलिए हमारा कोई ब्रेक पैड का खर्चा नहीं आया, हमारा ब्रेक का खर्चा आ गया पूरा। बस एक बार चंडीगढ़ क्लोज हो गया, फिर तो मज़े हैं। 120 पर भी मैं नॉर्मल चला, 100 पर भी नॉर्मल चला, मैं 2 घंटे में मैं पहुँच जाऊँ। मुझे भीगना पसंद नहीं है और ऊपर से मैं वाइट शूज़ पहन कर आया हूँ बिकॉज मेरा मन कर रहा था, बिकॉज इसका ना जो सोल है वो थोड़ा सा येलोइश होने लग पड़ा। मैंने सोचा चलो जल्दी इसको घिसाते हैं, तो मैं वाइट शूज़ पहन कर आ गया। बाकी बढ़िया लग रहा है और व्यू भी अभी आपको अच्छा आ रहा होगा। यहाँ पर मुझे 9:30, मैं यहाँ पर 11 बजे पहुँच गया था और देख लो 3 बजे निकला हूँ, 4 घंटे लग गए। अगर ये 4 घंटे ना लगते तब तक मैं दिल्ली रूम में होता। चलो कोई बात नहीं, बाइक को ठीक कराना भी अच्छी बात है। बाकी जो ये मिस कर रही है वो आगे जगह चेक करूँगा, बिकॉज वहाँ पर मैंने 80 तक टच की। चंडीगढ़ के रोड आपको बताइए कैसे हैं, रोड से जो बढ़िया ट्रैफिक होता है, रेड लाइट आ जाती है, तो वहाँ पर ज़्यादा मैं भगा नहीं सका। तो उनको मैंने बोला कि अगर मिस मारेगी तो मैं वापसी आऊँगा। इसका कार्बोरेटर भी क्लीन करवाया है हमने, तो इसलिए ज़्यादा लेबर है, नहीं तो इतनी होती नहीं नॉर्मली, नहीं तो 5 RPM तक जाकर ना ये मिस मारने लग पड़ती थी। ऐसा ट्रैफिक रहेगा रे बाबा, तो कहाँ से मैं 2.5 घंटे में पहुँचूँगा। यहाँ 40 के ऊपर बड़ी मुश्किल से जा रही है बाइक, देखो कितना ट्रैफिक है। और अगर आगे जाकर अगर हाईवे पर भी इतना होगा तो नहीं मैं पहुँचता 2.5 घंटे में, 2-4 घंटे लग जाएंगे, बस जितना टाइम लग जाएगा। नहीं तो बंदा स्पीड निकाले कहाँ से निकाले। तो पल्सर पर ऑफरोडिंग हो रही है, जाम बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। देखो पता नहीं क्यों चल भी नहीं रहा, रुका हुआ है जाम पूरा, पता नहीं क्यों। आगे शायद कोई रोड कंस्ट्रक्शन वगैरह। और ये देखो टेम्पू वाले अंकल ने इधर को डाल दिया भाई, ये बाइक बड़ी मुश्किल से गुजरी है। और आप ऑटो को ऑफरोडिंग ऑटो से छोड़ के ऑटो लेना चाहिए फिर का। ओह यहाँ क्या हो गया, भी बोल दो घर वालों का नाम क्या है, नाम पूछा है। अच्छा ऑनलाइन हाँ चल रहा है, वो लाइव चल रहा है, ठीक है अच्छी तरह। गुड राइडर धक्का मारता है लड़का। अच्छा इसमें वीडियो पहुंचेगी इसकी यार, पर चलता जाएगा अभी दिल्ली तक चलता जाएगा। ला और बंद कर दूंगा रास्ते में, इसको कहीं डाल देगा। हाँ मेमोरी कार्ड में जाता है ना ये पूरा। अच्छा मतलब विवेक नाम है क्या? हाँ जी यूट्यूब पे भी डालता है। हाँ अच्छा ओके। तो पंप वाले भैया अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे थे, तो आपने देखा बोला कि कैमरा ऑन है पहले मुझसे, मैंने कहा नहीं बंद है, तो उन्होंने बोला ऑन कर मेरी वीडियो बना। तो फिर मैंने ऑन किया, फिर वो बोले। बढ़िया लगता है ऐसे। दिल्ली पहुंचने की निशानी ये होती है कि आपको जाम मिल जाएगा। वो अभी दिल्ली यहाँ से 30 किलोमीटर है और जाम मिलना चालू हो चुका है। वो जाम कितना ज़्यादा है, और हम ऑफ रोडिंग करते हुए चलते हैं। बाइक का ये फायदा तो है, कहाँ पार्क की हुई है गाड़ी, तो भैया चलो तो ठुकी हुई है। मुझे लगा पार्क की हुई है। ओहो उठा दो भैया। अभी भाई से लोकेशन मंगवाई है, ये देख लो 52 मिनट बता रहा है, 21 किलोमीटर 7:30 बजे बजा रहा है वहाँ पर। तो और 6:30 हो चुके हैं और सनसेट होने वाला है। और ये बाइक देख लो आप पूरी गंदी, आगे पुलिस वाले भी हैं, मेरी तरफ ही देख रहे हैं, मुझे साइड से लेकर जानी पड़ेगी बाइक। ये देख लूँ थोड़ा सा मैप, अभी हाथ में पकड़ कर ही फ़ोन चलाना पड़ेगा। ओ माई गॉड कितनी पब्लिक, मुझे तो देख कर ही घुटन से महसूस हो रही है। ऊपर से ये जाम, ऐसे ही जा रहा हूँ बस 20-25 की स्पीड पर। तो फाइनली 7:22 पर पहुँच चुका हूँ मैं यहाँ पर। ओह हो बुरा हाल हो गया भाई दिल्ली के ट्रैफिक में।